today we will start exercise 5f from of chapter 5 quadratic equation from sarina concise for 2000 from 2023 edition For class टेन्थ फोर ICSE. Here first sum. तो so first sum हमें सिमरन बताइए क्या करें हम गेरा आपके पास एक सामने क्वेश्चन P minus 15 zero ke equal है और ये इक्वेशन भी जीरो की इक्वल है find द वैल्यू ऑफ एक्स क्या करेंगे सिमरन सर कंपेयर नहीं बेटा देखो पी माइनस फिफ्टीन जीरो है ना यस सर यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हो आप यस सर कितनी आएगी P माइनस फिफ्टीन जीरो की इक्वल दिया हुआ है ना तो यहां से P की वैल्यू क्या आएगी बेटा बोलिए बच्चे सिमरन फिफ्टीन so, uh, 15?

इन दोनों में इन दोनों में इन दोनों में टू एक्स कॉमन है क्या बच गया एक्स प्लस फाइव बच गया इन दोनों में फाइव कॉमन है एक्स प्लस फाइव बच गया तो एक्स प्लस ये आ गया ये अलग से ये अलग से एक्स प्लस फाइव जीरो के इक्वल टू एक्स प्लस फाइव जीरो के इक्वल फ्रॉम हेयर एक्स वी गेट माइनस फाइव एंड फ्रॉम हेयर टू एक्स इज माइनस फाइव एंड एक्स इज माइनस फाइव बाई टू ये हमारे पास एक्स की तो वैल्यू आ गई okay? yes, ये हमने फाइंड किया कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये ना समझ आया हो बेटा आ गए सबको ओके रवनीत नी आई है ना नैंसी आ गई uh, श्रुति है और कौन एबसेंट है अभी नील एबसेंट है और रघनीत एबसेंट है बाकी सारे हैं आयुष कुमार सिंह एबसेंट है ओके okay. एक ऋषुराज एबसेंट राज है ओके नाउ सेकंड सम बेटा सेकंड सम तो यहां पे हमें कहाँ तक मैं रिटर्न रूहानी तक हो गई थी ना नासी ने, भी हो गई थी मैं मानसा भी हो गई लेख ना फर्स्ट सिक्स हम एक जैसे क्या लिखा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला फॉर्मूला मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला तो फर्स्ट सिक्स सम में से मुझे कौन सा सम करवाएगी सर फोर्थ फोर्थ तो छोटा सा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स पार्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव इजिकल टू जीरो हां जी जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना होता है तो क्या करते होते हैं लिखना? Sir, D is equal to... सबसे पहले कंपेयर विद एक्सर प्लस बी एक्स प्लस सी जो जर्नल फॉर्म होती है उसके साथ कंपेयर करती है व्हाट इज ए सर टू बी सेवन सी फाइव यहाँ से डी कितना आ जाएगा

यहां से बेटा एक्स की वैल्यू माइनस सेवन माइनस थ्री बाई फोर माइनस टेन बाई फोर सेकेंड आंसर क्या आ गया एक्स का माइनस तो ये हमारा सेकंड का सिक्स पार्ट हो गया कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आए बच्चे हो जाएगा यस सर यस सर आई थिंक सो सेवन ओ क्लॉक वाली क्लास में एक तो ऋषुराज आप नहीं थे yes, sir. और एक सिमरन नहीं थी सिमरन ये चीज समझ आ गई बेटा yes, इसके फर्स्ट फाइव पार्ट्स हो जाएंगे ना सेम मेथड है अब okay, ये देखो अपॉन में आ गया या रूट में आ गया इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है सेवेंथ एंड एट्थ पार्ट ऋषुराज दोनों में से कौन सा पार्ट करवाएगा मुझे क्योंकि बाकियों को सबको आते हैं ये सम कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है जिनको नहीं आते हमारा टू टाइम या थ्री टाइम क्लास लगाने का यही फायदा होता है एक बुक में से कर लेते हैं तो दूसरी में से हमें बहुत इजी लगते हैं ओके okay, सर ये बेटा यहां एलसीएम क्या आ गया फिफ्टीन सर फिफ्टीन फिफ्टीन इज द एलसीएम बट वी गेट एक्स स्क्वा प्लस फाइव फाइव इज ट्वेंटी फाइव

सर yes, तो जाके अपॉन हो गया क्या आ गया जीरो आ गया ना yes, अब ये वही जैसे अभी हमने सिक्स पार्ट किया था कंपेयर किसके साथ करेंगे ऋषुराज आइडेंटिटी सर नो जनरल फॉर्म बोलते हैं बेटा इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके सर व्हाट ए

क्वल माइनस प्लस प्लस माइनस जीरो अपॉन टू तो हम ऐसे कर सकते हैं टेन अपॉइंट टू टेन अपॉन टू दोनों क्योंकि टेन प्लस जीरो भी टेन होता है टेन माइनस जीरो रूट्स हमारे इक्वल आ गए और जब डी की वैल्यू आती है तो रूट्स इक्वल ही होते हैं ना दोनों इक्वल आ रहे हैं देखो ओके okay, सर सर ये नेगेटिव में आ सकते हैं क्या ये मींस uh, का वैल्यू नेगेटिव की वैल्यू तो चाहे डेसिमल में भी आ सकती है रूट में भी आ सकती है एक्स का कोई दिक्कत नहीं है एक्स की वैल्यू कुछ मर्जी आ जाए ओके बट डी की वैल्यू जब नेगेटिव आ गई तब नहीं हमने आगे सॉल्व करना आ okay. आ जाए आ जाए पॉजिटिव की वैल्यू या जीरो की आ जाए तो सॉल्व करना है अदरवाइज सॉल्व नहीं करना देखो जो हमने सिक्स पार्ट किया था वहां डी की वैल्यू क्या आ रही थी नाइन ग्रेटर देन जीरो आ रही थी ना तो यहाँ पे जब इक्वल टू जीरो आ गया तब भी हमने सॉल्व करना है अगर यहाँ पे माइनस नाइन आ जाता मान लो तो आगे सॉल्व नहीं करना था वहीं स्टॉप कर देते okay. 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 इसके बाद बेटा हमारे पास आ गया माइनस नाइन अगर आ जाता तो स्टेटमेंट क्या लिखना होता रियल रूट डॉट एग्जिस्ट बस स्टॉप इसके बाद लाइन लिख देते रियल रूट डजेंट एग्जिस्ट ओके उसके आगे सॉल्व करना ही नहीं नाउ यहां पे बच्चे ये एलसीएम लेके क्रॉस कर देना है यहाँ सीधा क्रॉस हो जाएगा क्योंकि सब सारे के नीचे है ये रूट वाला पार्ट करवाऊं के हो जाएगा जल्दी बोलिए सर हो जाएगा सिमरन तुम ट्राई कर लेंगे अगर नहीं होगा तो, हो तो कभी पूछ लेंगे वेरी गुड ये सही क्वेश्चन आंसर दिया इसने ऐसे तो बहुत यानी है ये खाना सिमरन Yes, दोनों कैल्शियम लेंगे वैसे ही मतलब करके हो जाए अब यहाँ पे बच्चे ले कैल्शियम लेके कर लोगे बोलो करोगे yes, सर एक बार थ्री का टू करवा दीजिए ना रोके दिखा पहले कौन बोला था आदित्य बोला था नहीं सर निश्चय सर निश्चय थर्ड का सेकंड तू भी क्लासेस कम लगाता है ना नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कभी कभी मिस कर जाता है तो सेवन ओ क्लॉक वाली क्लास हाँ सर तंग करके रखा हुआ है जिंदल सर ने है ना सबको परेशान कर दिया नो सर नो no. सर मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री ने परेशान करके रखा हुआ है देख तो वो तो बच्चे धीरे-धीरे आएगी एकदम से नहीं आती होती क्योंकि तूने अपने माइंड में ही बिठा रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री टफ है दैट्स द रीजन और एक क्लास मिस भी किया होगा आई थिंक सो सर दो, दो क्लास थी दोनों मिस हो गई थी आज सुबह वाली बस किया था तो फिर तो कुछ भी समझ नहीं आएगा बट सर लेक्चर देखा था मतलब पहली एक्सरसाइज तो अच्छे से समझ में आ गई सेकंड सर आप अब अब आप डालोगे तब उसके बाद सर सेकंड देखेंगे तब फिर वीडियो बनाने का मोटिव ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं ना यस सर तो वो सॉल्व हो जाता है यस सर हम्म क्या कर रहे हैं अब यहां देखो बेटा ऊपर मल्टीप्लाई ये को दोनों से 10 को दोनों से x को दोनों से करेंगे क्या आएगा 1200x प्लस टू एक्स ये आएगा ना माइनस टेन को भी दोनों से करना है -10 2X, -20X. ये मेरे को लगता है सेम क्वेश्चन हमने में किया था कि इसी में था ऐसा किया yes, था? Yes, sir, yes. किया था, था। हम लोग अब हो जाएगा हाँ सर इसके बाद वही सिंपल यस सर। yes, कर लोगे बेटा इसको आ, आगे जो फोर्थ समय दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट समय ये ठीक है तो यहां पे देखो वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू प्लस वन अपॉन एक्स इज टू वन अपॉन एक्स प्लस पी प्लस क्योंकि बने यहां पे एलसीएम लेके नहीं करना रेशन है ये वाली टॉम को उस साइड ले जाओ या इस साइड भी लेके आना है तो पेयर इसका अलग पेयर इसका अलग पेयर बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है कि हम उस साइड ले जाएं उस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा यहां पे आयुष कैल्शियम सर पी क्यू बढ़ेज एल्सियम फर्स्ट टर्म सर क्यू प्लस यहाँ पे एल्सियम एक्स प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स ये टर्म है एक्स बच गया एक्स इंटू वन एक्स माइनस एक्स इज दियर ये बच गया ये ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे प्लस क्यू अपॉन पी क्यू यहां पर एक्स माइनस एक्स माइनस पी माइनस क्यू नीचे एक्स को दोनों से, तीनों से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स यहां देखो x से x कैंसिल हो रहा है अभी मैं ऊपर नहीं लेके जाऊंगा यहां दोनों में क्या कॉमन है माइनस कॉमन है पी प्लस क्यू नीचे सेम टू सेम टर्म अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा वन वन आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई वन से करेंगे सेम को माइनस वन से करेंगे माइनस पी क्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस पीएक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी इस साइड आके प्लस पी क्यू अब फर्स्ट टू और लास्ट टू बस हो जाएगा एक्स प्लस पी यहां सेमन एक्स प्लस पी अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सम वैल्यू माइनस p आ जाएगी एक वैल्यू आ जाएगी हमारा सम सॉल्व हो गया रट्टा मार लो कि ये इस साइड जाके माइनस करना है फिर एलसीएम इसका अलग इसका अलग करना बस बस हाँ जी सर सर जरूरी है है या फिर वन पी। ना 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 वन एक्स को सर। सर ना ना ओके मतलब लास्ट जो वही वाली चाहिए पहले लिख दे फिर तो वन बाय हुआ पीछे लिख दें तो वन बाय क्यू को ले के जाएगी नहीं वन बाय एक्स को इकलोता एक समी है ठीक है अब फिफ्थ वाला सम इस टाइप के पहले किए हुए इंटीजर से बिलोंग रैशनल नंबर से बिलोंग मैं नहीं करवाऊंगा यहाँ पे भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको मल्टीप्लाई करो फिर सारी टर्म को एक साइड पे इसमें एलसीएम ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला अब इसमें बोल दिया उन्होंने फॉर्मूला यूज करने के अब आ जाओ सेवन सम सिक्स सम अपने आप ट्राई करोगे आज हम इसका भोग डाल ही नहीं चैप्टर का बहुत परेशान करके रखा है बहुत लेंदी चैप्टर था अब उसने क्या बोल दिया इसमें फॉर्मूला यूज करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है तो क्या करो बच्चे पहले ना इसको ओपन कर लो ए को दोनों से करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए टू को दोनों से करेंगे टू ए प्लस टू स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू आ जाएगा अब इसको किसके साथ कंपेयर करें वही अपनी इक्वेशन जो है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से पक्का सोच ले आ, उसी से ही करेंगे कैपिटल ए यूज करेंगे स्मॉल इस चीज का बच्चे ध्यान रखना क्योंकि स्मॉल ए बीच में यूज हो रहा है तो, yes. फॉर्मूला बोला था ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी का होल स्क्वायर माइनस फोर इन

दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डी इसके बाद एक्स इज़ ना एक मिनट ये फॉर्मूला बन गया बेटा इसको ओपन करेंगे ये इसको ओपन करेंगे ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व ही आता है तो डी क्या आ गया टू ए प्लस थ्री का गोगा। 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 अब एक ही कोई मर्जी वैल्यू फिल कर दो जीरो फिल करेंगे तो आएगी तो मतलब डी इज ग्रेटर देन जीरो यार डी इज ग्रेटर देन जीरो तो डी ग्रेटर देन जीरो तो एक्स किसके इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू है टीवी कौन देख रहा है तुम्हारे घर में माइनस व्हाट्स टीवी कौन देख रहा है कोई नहीं पीछे कौन बोल रहा था पापा मम्मी अच्छा डिस्टर्ब करते रहते हैं ना मम्मा हाँ सर <laughs> यहाँ स्क्ट प्लस माइनस दूसरी एक्स की वैल्यू क्या माइनस वन माइनस थ्री बाई टू. टू हाँ क्योंकि माइनस जब इसके ब्रैकेट के बाहर होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे Yes. Upon टू yes. हाँ जी two, हाँ. Yes, two सर वहाँ पे जो आपने फॉर्मूला लिखा है वहाँ पे टू कैपिटल आएगा ना हाँ यस टू कैपिटल ही आएगा सर हो जाती है मिस्टेक कभी वाँ. कभी वैसे मेरी कोशिश होती है ना हो पर दिमाग इतना खराब हो जाता है पढ़ा पढ़ा के बच्चों को माइनस टू माइनस फोर अपॉन यहाँ yeah. yeah, से टू कॉमन माइनस माइनस टू प्लस ए अपॉन टू सब प्लस क्यों होगा एक्स की वैल्यू सब प्लस क्यों होगा ओ यार माइनस में नहीं लिया नहीं कॉमन घर वाले आके ना डिस्टर्ब कर देते हैं ये आ गया समझ आ गया बेटा हाँ सर मतलब कुछ नहीं सेम प्रोसेस सेम वे सब कुछ सेम है सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट हाँ जी सर अगर अगर वहाँ पे हम a स्क्वायर मतलब a plus b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं आइडेंटिफाई कर पाते वाले वैल्यू पे तो क्या तभी आंसर यही आता बच्चे अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई ना भी करते ना तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते बताओ. ये बताओ यस मतलब आंसर गलत हो जाता वो रूट में रह जाता ना आंसर फिर रूट में आ जाती वैल्यू यस गलत वो भी नहीं है पर उसके मार्क्स टीचर काट लेता कि ये तेरे को पता नहीं ये बन रहा है सर यही सब में तो दिक्कत कर जाता है सर आइडेंटिफाई किसी में करना पड़ता है किसी में नहीं इसी में दिक्कत हो जाता है तो अभी क्यों बैठा है यहाँ पे सर identity, मतलब पढ़ने आइडेंटिटी सीखने के लिए या पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए <laughs> पढ़ने के लिए सारे यहाँ पे ऐसे ही है ठीक है ना और जिसको मतलब जिसके मन में इच्छा है ना पढ़ने की वही यहाँ पे है जिसके मन में इच्छा नहीं होती ना पढ़ने की वो गायब होता है यस yes, और मोस्टली जैसे अभी तुम सारे बच्चे ठीक है एक दो बच्चे हैं जो नहीं अटेंड कर रहे बाकी सारे अटेंड कर रहे हैं और प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं क्योंकि सीखने का जो ना जज्बा होता है अंदर से सबको पता है कि स्टडी के बिना कुछ नहीं बनेगा जब तुम्हारे अंदर ये चीज पता गई ना तुम्हें तो तुम अपने आप पढ़ना शुरू कर दोगे अपने आप रास्ते देखो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑनलाइन कभी टीच करूंगा ऑनलाइन तो किसी को पता ही नहीं था कि ऑनलाइन भी कुछ होता है तुम्हें तो पता था कि ऑनलाइन स्टडी होती है ट्यूशन ऑनलाइन लग जाती है मुझे तो नहीं पता तो था ठीक है ना तो जरिया होता है अपने आप कुछ ना कुछ मिल जाता है कहा तुम तो बैठे हो कहा मैं बैठा हूं जानते थे एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे आपने सर्च किया यूट्यूब पे मतलब मथा कपाई की तभी मिला समझे yeah. yes, yes, मेरे पास अच्छे वाले ऑफलाइन बहुत से बच्चे थे पर कोरोना ने सब कुछ मतलब नई चीज सिखा दी नया वे नया रास्ता और सब कुछ वैसे ही ओके okay? समझे yes. Yes, yes. कोई yes. भी चीज है कोई भी नई चीज है एक बार हमें टाइम लगता है अब ट्रिग्नोमेट्री का बोल रहे थे बार बार ट्रिग्नोमेट्री ने ऐसा कर जा रहा है यार। क्या क्या है आयुष क्या बोल गया वो चलो आगे देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पे सॉल्व हो गया अब इसमें लिख दिया m एंड n आर द रूट्स जो यहाँ पे सॉल्व करके x की दो वैल्यूज आएंगी बेटा इनको एक को m ले लेंगे एक को n और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उन्होंने फाइंड m n बोला है हमें करने के लिए ओके okay? समझ आया बेटा यस सर जैसे यहाँ पे दो रूट्स आए सर x1 को m ले लेंगे और x2 को n ले लेंगे हां कोई भी सम जैसे मैं एक सम दिखाता हूं जैसे ये सम था हमारा ये तो चलो हमने उससे किया है हाँ चाहे फैक्ट्राइजेशन से भी हो सकता है ये दो एक्स की वैल्यूज आ गई एक को एम ले लेंगे एक को एन ले लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ट्वेंटी फाइव इसका आंसर इसके अकॉर्डिंगली इस सम के अकॉर्डिंगली समझे बच्चे यस yes, सर तो यहां पे नेक्स्ट सम ये वाले सब बहुत इजी है वैल्यू ऑफ ए एम एक्स के प्लेस पे थ्री बायर फिल करनी है एम कैलकुलेट करना है अब यहाँ पे क्या लिखा है शो दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन इज माइनस थ्री फिल करो लेफ्ट साइड में जब शो करने के लिए बोल दिया ना तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के प्लेस पे माइनस थ्री फिल करो कैलकुलेट करो जीरो आ जाएगा so, yes. find the other इसको करना है। फिर फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन ले लेना लेनाथ सम फाइन दूशन इक्वेशन दिस ये दो वैल्यूज एम की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस फाइव आ जाएगी एन की वैल्यू वन इस इक्वेशन में फिल करो और सॉल्व करो जैसे हमने पहला सम किया था वहां अकेला पी की वैल्यू निकाल के इसमें फिल की थी यहां हमें तीन इक्वेश दे दी दो में एम और एन थे अकेले फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फोर इज हैज इक्वल रूट्स अब डी फाइंड करके जीरो के इक्वल कर देना है अपने आप करोगे ये भी सिंपल है ए प्लस बी एक्स को वाई ले लेना है फिल करके कैलकुलेट करना मुझे नहीं आता यार विदाउट सॉल्विंग वही, रियल एंड इक्वल रूट वही सेम चीज जो हमने इस एक्सरसाइज में की थी ना बेटा ये वाली में

कर लोगे ना उसमें भी किया था फाइंड यूजिंग क्वालिटी फॉर्मुला रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इफ दे एग्जिस्ट इफ दे एग्जिस्ट आ गया डिफाइन करेंगे अगर डी लेस आता है जीरो से तो डज नॉट एग्जिस्ट अदरवाइज एग्जिस्ट करेगा ये सा -2 इज द रूट ऑफ दिस x के प्लेस में -2 फिल करो p की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0 नहीं है 1 है ये ध्यान रखना और उसके बाद जो p की वैल्यू है यहां फिल करना और यहां पे वही सेम ओपन करके कंपेयर करके इक्वल रूट्स दिए हुए कर देना yes, yes, yes. yes, थोड़ा आज काम ज्यादा पर करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत लेंदी है अभी हमारे फोर चैप्टर्स हुए है। ठीक है ना ओके okay, सर एस चंद की बुक कौन किस किस को लगी हुई है सर मेरे को नैन्सी तेरे को है यस yes, और किसको है सर निश्चय और किसी को है बेटा एस की बुक हा ना यस सर आपको भी है यस yes, okay. तो सर ओके मेरे में भी एस चंद है क्या सर मेरे में भी एस अहाना का स्कूल और मेरा स्कूल एक ही है अच्छा सेम स्कूल में पढ़ते हो तुम सर बस ब्रांच अलग अलग है उसका सेंट जॉन्स मरौली और से मेरा डीएलडब्ल्यू ओके चलो चलो ठीक है बच्चे ओके बाय बाय आज मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ आज क्लासेस बहुत ज्यादा लगाई बाय बेटा